गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिक्स क्लास। आज हम ड्राइंग में आपकी बुक आर्ट एंड स्किल से पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 में से ड्राइंग आपकी वेजिटेबल्स एंड टर्निप, पम्पकिन एंड पीस, मटर, पम्पकिन, टर्निप, ये तीन फिगर्स करेंगे। पहले इन्हें पेंसिल से ड्रॉ करेंगे शीट्स पे, बाद में इनमें ब्लैक पेन से शेडिंग देंगे। ओके, ड्राइंग शीट लेंगे। मैंने लाइट ये करके रखा हुआ है। इसके लिए जैसे ये टर्निप है, हम इसके लिए सर्कल, तो कंपास की हेल्प से या कोई आपका कैप है किसी बॉटल का या बॉक्स का, उसके थ्रू हम सर्कल बनाएंगे लाइक दिस। जैसे मेरे कलर बॉक्स का है, तो मैंने इसके हेल्प से सर्कल बना दिया। ओके, ये देखिए, ये आपको ये सर्कल है, ये इसकी हेल्प से हम इसका आउटसाइड या इनसाइड का पोर्शन बनाएंगे। ये इस तरीके से, ये देखिए। ओके, इसका जो सर्कल है इसे इरेज कर देंगे। ओके, क्योंकि हमारी टर्निप शेप आ चुकी है, बन चुकी है। देखिए, से इसकी लीव्स हैं। भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इसके बाद एंड आफ्टर हम ब्लैक जेल पेन या बॉल पेन से इसकी शेडिंग करेंगे, जिस तरह से आपकी बुक में ये शेडिंग करके दिखाई हुई है, लिप्स में भी एंड टर्निप में। ओके, पहले टर्निप में करेंगे। जब हम ब्लैक पेन या बॉल जेल पेन से शेडिंग करते हैं, उससे हम कहीं भी कर सकते हैं, बट जब हम पेंसिल शेडिंग करते हैं तो हमें, मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था कि जब पेंसिल शेडिंग करने हैं तो अप टू डाउन या राइट टू, सॉरी लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, जिससे कि हमारे हैंड्स में पेंसिल का जो ब्लैक वाला होता है वो ना आ जाए। पेन शेडिंग में कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं, बट फिर भी आप ऊपर से स्टार्ट ही करेंगे। पहले हम इसकी आउटलाइन कर लेंगे पेन से। पेन न्यू ही लेना, तो बीच बीच में ये रुक जाते हैं। ये देखिए, ये लीव्स मैंने कर ली हैं।
अब इसमें मैं आपको शेडिंग करके दिखाऊंगी बॉल पेन से। ओके, छोटी छोटी लाइन्स आपको करनी है शेडिंग के लिए। जहां जाएंगे पॉइंट बने वहां से स्टार्ट करना है, यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देना है इस पोर्शन को। सेम स्लीव में भी ऐसे करना है आपको। शेडिंग का होता है इनकेस इधर दिस साइड आपकी लाइट है, सनलाइट है या लैंप लाइट है वो पड़ रही, तो उसकी शेड कोई भी ऑब्जेक्ट रखा तो इधर शेड जाएगी। तो हम इस तरीके से शेड दे रहे, देखिए इस तरीके से, यहाँ से हम इधर से शेड न देके, डाउन से शेड न देके अप से शेड दे रहे हैं। वन वन लाइन डालनी है, यहाँ भी कर देंगे थोड़ी सी स्लाइन। सेम इसमें भी इधर ऐसी करनी है आपको, क्या बैक साइड से इस पे सनलाइट या लैंप लाइट की शेड पड़ रही है। ये मोस्टली हमारी लिप्स कंप्लीट हो गई है विथ शेडिंग। ओके, अब हम टर्निप में करेंगे, इसका जो पोर्शन है इसे थोड़ा डार्क कर देंगे, डेप्थ में शो करना है इसको। इसकी पहले आउटलाइन, ओके, जेल पेन हो तो बेटर है क्योंकि बॉल पेन रुक रुक के बीच में रुक जाता है, इससे प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं ये कर रही हूँ, आप अपनी फाइल में तीनों फिगर बनाएंगी फ्रूट्स के, वेजिटेबल के, टर्निप, पम्पकिन एंड पीस मटर। ये देखिए इसमें आप सर्कल सर्कल लाइनें थोड़ी थोड़ी दी हुई हैं। से करनी है थोड़ी, कोई हाफ ले जानी है, कोई पूरी फुल कंप्लीट कर देनी है लाइन। ओके, देखिए ओके इस तरीके से आप करेंगे। मैं
टिक कर संभाल के चलाना है पैन, क्योंकि पैन की है तो इसमें जहाँ आप लाइन डालेंगे एक बार डल जाएगी, ये इरेज नहीं हो पाएगी, इसलिए सोच समझ के आपको पैन की लाइन जो है डालनी है। इसके हाफ पोर्शन में हमने कर दी इसकी शेडिंग। साइड से भी कर देंगे, क्योंकि इस तरह से सनलाइट आ रही है साइड से अप से, तो डाउन साइड में शेडिंग दे देंगे थोड़ी। इसमें हल्की हल्की शो कर देंगे, इसमें आप देखते होंगे थ्रेड टाइप के ये होते हैं, कुछ टर्निप आप खाते हैं सैलेड में। देखिए इस तरीके से ये आपकी टर्निप विद पैन शेडिंग कंप्लीट। तो हमारी पैन शेडिंग कंप्लीट हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट्स की, फिगर की। तो हम उसकी जो हमने पहले पेंसिल से वर्क पेंसिल से किया था उसे इरेज कर देंगे। ओके, इससे पेंसिल का पार्ट नजर नहीं आए। इनको भी थोड़ा डार्क कर देंगे, ये डाउन साइड है। इसे आप स्केच के थ्रू भी कर सकते हैं इनको, बट स्केच ज़्यादा नहीं यूज करना, क्योंकि इसमें ब्लैक जेल पेन या बॉल पेन यूज़ करेंगे आप। ओके, सेम इसमें भी वही, क्योंकि डाउन साइड है, लाइट का इफेक्ट अप से आ रहा है, तो ये हमें शेड दिखानी पड़ेगी। कंप्लीट। इसी तरह से आपको अपनी बुक में जो फिगर है पम्पकिन ट्रीज, ये आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। ये देखिए विथ शेडिंग, ओके बेटा, ये देखिए। ओके स्टूडेंट्स, stay home, stay safe.